अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग मैंने असर के बाद से शुरू किया था और यहाँ पर मैं चाय बना रही थी। शाम के टाइम हम थोड़ी सी चाय पीते हैं क्योंकि सुबह भी चाय पी होती है तो वो फिर ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी मामा पापा और अपने लिए चाय बनाई। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को चाय पसंद है या नहीं पसंद, और अगर आप लोग चाय पीते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग पीते हैं या लाइट पीते हैं, किस तरह के पीते हैं या टी बैग वाली पीते हैं, तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। वैसे ना हम लोग हमेशा चाय के साथ या बिस्किट या ब्रेड या कोई चीज़ ज़रूर खाते हैं, लेकिन शाम का टाइम था और फिर अंधेरा हो जाना था और हमने जाना था बाज़ार एक काम से, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी ये चाय हमने अकेले ही ऐसे ही पी ली थी। इसके बाद मैं और पापा गए थे बाज़ार और एक ही शॉप पे जाना था, गोल्ड की शॉप पे। और जो हम लोगों ने चीज़ ख़रीदी वो मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखाऊंगी। हिंट एक ये है कि ये मेरा बर्थडे मंथ है, मेरी बर्थडे आ रही है, तो आप लोगों को फिर खुद ही गेस कर लें। और यहाँ पर कुछ गोल्ड के सेट्स लगे हुए थे, ब्रेसलेट्स और रिंग्स वगैरह लगी हुई थी। और बाकी सब चीज़ों की तरह गोल्ड की भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और आप लोगों को मेरी तरफ़ से ईद मिलादुन्नबी बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। बीइंग अ मुस्लिम ये हमारे लिए सबसे बड़ी ईद होती है, तो इस पर भी तैयार होना चाहिए ज़रूर हमें। बाकी ईदों पे हम हो जाते हैं लेकिन इस वाली पे नहीं होते, तो इस पे भी तैयार होना चाहिए। मैंने अपने लिए ड्रेस निकाला था लाइमलाइट से, मैंने ये ऑर्डर किया था तब हमारे सिटी में हाफिज़ाबाद में लाइमलाइट का आउटलेट नहीं था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लाइमलाइट भी आ चुकी है। तो ये मैंने फिर उस वक्त ऑनलाइन ऑर्डर किया था 2 पीस, इसके साथ जो शलवार का कपड़ा था वो अलहदा से लिया था। यहाँ पर मैं आप लोगों को उसकी जो लेस या लेस जो भी आप लोग कहते हैं वो दिखा रही थी और बटन्स वगैरह दिखा रही थी। इसका दुपट्टे पर ना इंग्लिश में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। और उसके साथ मैंने ये जूता निकाला था, लेकिन मुझे ये अनकंफर्टेबल लग रहा था तो मैंने ये पहना नहीं था। ये जूता मैंने लिया था स्टाइलो से। और इसके बाद मैंने ये बताना था कि हमने इस दिन गाँव जाना था, लेकिन अगर मैंने ना भी जाना होता तो मैं ज़रूर तैयार होती हूँ क्योंकि इतने बड़ा दिन था, साल का सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन ये होता है। तो फिर मैं तैयार हो रही थी, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लगाई जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ये लोरियल की क्रीम है ओरा परफेक्ट, ये मैंने लगाई। ये मामा ने साथ बालियां निकाल के रखी थी मेरे लिए कि पहन लेना, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं किया, मैंने नहीं पहनी। इसके बाद मैंने मेबलिन का ये प्राइमर लगाया। उसके बाद मैंने मेबलिन का ये कंसीलर लगाया। ये वाला जो कंसीलर है ना, ये मुझे बेस्ट लगता है। इसको लगा के ऐसे फील होता है जैसे हमने अपने फेस के ऊपर कोई फिल्टर लगा लिया, जो भी आपके स्पॉट्स या पोर्स वगैरह होते हैं ना वो बिल्कुल ही नज़र नहीं आते। उसके बाद मैंने मेबलिन का ये चीक हीट वाला ब्लश अप्लाई किया। ये भी बहुत अच्छा ब्लश है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं क्रीम ब्लश तो आप लोग ये परचेज़ कर सकते हैं। इन सारी मेकअप के प्रोडक्ट्स की जो लिंक्स है ना, जो जो अवेलेबल होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ पर क्लिक करके इसे परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आई लैशेज कर्ल की और ये एसेंस का लैश प्रिंसेस मस्कारा अप्लाई किया। ये बिल्कुल आप लोगों की लैशेस को एक फेक आई लैश वाली लुक देता है। आप लोग इसको एक आई पे अप्लाई करें और एक आई पे ना करें तो आप लोगों को एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आता है। उसके बाद वैसलीन अप्लाई की और मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली। उसके बाद हम लोग चले गए गाँव और ये मैंने रास्ते में आप लोगों के लिए थोड़ा सा फुटेज फिल्म किया था। ये मतलब खेत वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मामा मुझे साथ साथ बता रही थी इन चीज़ों का। कोई भी खुशी का मौका हो या कोई दुख वाला मौका हो तो हम लोग गाँव ही जाते हैं। वहाँ पर मेरे 3 मामों का इकट्ठा मतलब साथ साथ घर है, तो हम लोग वहाँ ही जाकर हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद रात को हम वापस आए और हम लोग गए थे हाफिज़ाबाद में, बहुत फेमस है विंगोज़ और उसके ऊपर है देसी बाबू, तो हम लोग देसी बाबू पर गए थे। और यहाँ पर मैं लाइट्स वगैरह आप लोगों को दिखा रही थी। पापा का कोई काम था तो पापा नहीं गए थे, मैं मामा और भाई सिर्फ गए थे। तो ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था हमने,
और इसके साथ हमने गोला कबाब, सीख कबाब भी उनको कहते हैं, वो ऑर्डर किए थे, और बोटल। और ना मतलब सडन ही हमारा प्लान बन गया था, बिल्कुल हमने पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ था। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना लव, अपनी सपोर्ट मुझे शो करें, और चैनल को मेरे साथ ग्रो होने में हेल्प करें।